Hello guys, welcome to my new vlog. और आज जो है मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा बैंक का काम कराना है और मुझे इतना कदम में भी जाना है, वही जिसका बर्थडे था अदालिका का, पिछले वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा, वहीं भी जाना है मुझे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, भी निकल रही हूँ। और ये देखो तुम्हारे बैंक ने क्या ले लिया है, मस्त सा एकदम प्रो जो है ब्लॉगर बन गई है। तो चलते हैं हम लोग, लेट्स गो। मैं जाने वाली हूँ अपनी सवारी से, जिस सवारी से मैं डेली जाती हूँ। ये है गाइस मेरी सवारी। ये हो गया गाइस, ये किसी ने मेरा नीचे मोड़ दिया है इसको। किसने किया होगा? मेरी गाड़ी का ये किसी ने मोड़ दिया है। और अगर किसी ने ये जानबूझ के मोड़ा है, जो एकदम नीचे कर दिया है वाइपर, तो वो कैमरा लग गया है मेरे घर में, अब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं वापस आके चेक करूँगी तब बताती हूँ। जिसने भी ये मोड़ा है ना, उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं। मेरी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ Not acceptable. चेक करती हूँ आके तब बताती हूँ। गाड़ी मेरी कितनी गंदी हो गई है गाड़ी में, अभी जा रही हूँ मैं धुल लूँगी। ये देखो जरा, पता नहीं कौन कौन मेरी गाड़ी छूता है। इसकी जो है ये देखो, इतना आगे किया हुआ है, पता नहीं किसने किया है। और ये देखो गाइस, गियर में गाड़ी खड़ी करने की आदत है किसी की, न्यूट्रल नहीं कर पाता है जो भी गाड़ी ले जाता है। मेरा ब्लॉग तो जरूर देखेगा, फिर जो है उसको पता चल जाएगा मेरी गाड़ी। लास्ट टाइम मेरा गेट ऐसे ही खराब हुआ था, मैंने गेट ओपन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी पीछे चल गई और मेरा गेट जो है खराब हो गया गाइस आगे वाला। सही से इसमें जो है ब्लॉग में पकड़ने वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, ये ब्लॉग बनाने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को अकेले ही ब्लॉग बनाना पड़ जाता है और आप लोग मुझे अकेले को देखते देखते बोर हो जाते होंगे, है ना। अकेले में पकड़ 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 करती रहती हूँ। इसमें ट्राइपॉड भी है गाइस, इसको ऐसे में खड़ी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ खड़े करने का ऑप्शन नहीं है। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ उसके घर, और मैं फर्स्ट टाइम उसके घर जा रही हूँ, मुझे उसके घर का रास्ता नहीं पता था, तो मुझे मैप देख के जल्दी आना पड़ा। और मुझे ज़्यादा लग रहा है मैं सही जगह पहुँची हूँ। देख रही हूँ मैं दिमाग, गाड़ी स्टार्ट करके जा रही थी, मैं गाड़ी स्टार्ट ही छोड़ कर के बाहर से लॉक लगा के जा रही थी। दिमाग देखो मेरा, इतनी आज इसके घर कथा है। पर तुम तो कह रही थी कि पहले वो होगा, स्ट्रांग हो जाए। आप लोग ऐसा बहुत तेज कहते हैं। तो कथा हो गई, फिलहाल हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी,
तो गाइस कथा तो हो गई थी जब हम पहुंचे, लेकिन अभी वहां से मैंने प्रसाद वरसाद लेके अभी हम जस्ट निकले हैं और अब हम जा रहे हैं मसौदा, क्योंकि मुझे बैंक का काम कराना है। बैंक बंद होने वाला है, 3 बज रही हैं, मुझे जल्दी से बैंक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि 500 रुपये फंसे हैं यार अकाउंट में। ज़रूरी है 500 रुपये निकलवाना, KYC करवानी है। तो मैं जल्दी से अभी पहुंचती हूँ मसौदा, बैंक का काम करवाती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी घर। तो गाइस फोटो कॉपी करा लिए हैं आधार पैन की, जो कि लगनी है KYC में, और बैंक बस हम पहुँच ही गए हैं। बहुत जल्दी पहुँची हूँ मैं, बहुत तेज़ी से चला के ले गया हूँ गाड़ी। अब चलते हैं बैंक। तो गाइस बैंक वाला काम हो गया है और मैं गई बैंक वाला काम कराने एक BC पॉइंट पे। तो वहाँ पे मेरे से KYC का उन्होंने चार्ज लिया 30 रुपीज, जबकि ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। और जब उन्हें पता चला कि हम भी BC पॉइंट चलाते हैं, तो उन्होंने जो है लेने से मना कर दिया था। वो जान गए कि हाँ मुझे तो पता है कि KYC का कोई चार्ज नहीं होता है। पहले तो उन्होंने बड़ा अकड़ के मुझसे कहा कि KYC का जो हम कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, कमाने के लिए बैठे हैं, उड़ाने के लिए थोड़े बैठे हैं। हाँ, जब उन्हें पता चल गया कि हम जो है BC पॉइंट चलाते हैं, तब उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। हम कि चलो यार ठीक है, कमाते हैं, कमाने के लिए ही इंसान बैठा है, 20-25 रुपए के लिए क्या कम से कम काम तो हो जा रहा है। लेकिन जो बोलने का उनका तरीका था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ब्लॉग में बता रही हूँ गाइस, वरना मैं ऐसा कुछ बताती नहीं। और उसके बाद बैंक का काम कराया मैंने, तो फिर अभी हम आ गए हैं जो है घर अपने मसौदा। और मुझे पता चला कि हमारे कॉलोनी में एक आंटी हैं, वो छत से शायद गिर गई तो उनको चोट वोट लग गई, तो अभी जा रहे हैं उनको देखने, क्योंकि मुझे पता चला कि उनको चोट लग गई, इसलिए मैंने कहा कि चलो मिल लेते हैं एक बार। तो अभी मैं आ गई हूँ घर अपने, फिर मिलके उसके बाद वापस जाऊंगी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, यस नया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो What are you doing? Where is Nani? Nani कहाँ है? तो guys, मैं आ रही हूँ मान्या, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मान्या, आ रही हूँ। क्या पहचान गए तुम? खुश हो गए? खुश हो गए? गाइस आपको मैं अपनी गायों से मिलाती हूँ आज, गाय लोग से। गाय तो मेरे ख्याल से नहीं है, अब सिर्फ भैंस है। हेलो गाइस, गाय भी है, नई गाय है क्या? ये मारती है क्या? हेलो गाइस, कान से हिला के हाय हाय कर रही है। इसका बीमा हुआ है क्या? और ये है इसकी बिटिया। हाय गाइस, गाइस ये है रामदेव, ये है रामदेव बैल, बैल ही है ये पूरा, ये बैल है। मारता है क्या ये? पता होगा। तो रामदेव ये जो है इसको गाइस दिखाई नहीं पड़ता है, इसको बचपन से ही नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन सुनाई पड़ता है, इसीलिए पलट के इधर देख रहा है मुझे बार बार, मेरी आवाज़ उसके कान में जा रही है। ये बचपन से ही इसको नहीं दिखाई पड़ता था जब से पैदा हुआ है, इसलिए तब से है यहाँ पे। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई ना मम्मी, 10 साल का हो गया, काफ़ी ज़्यादा 10 साल का हो गया है। रामदेव हैं और ये हैं। हेलो
हेलो गाइस, कुछ नहीं, सोने दो सोने दो। की साइकिल गाइस, जितने बड़ा ये है उतनी तो बड़ी साइकिल है। तुम दोनों की हाइट नहीं बढ़ रही है क्या? बैग देख लो, कहाँ से? शाम को नहीं चले, एक जगह कथा थी वहाँ गए थे, तो उसके बाद वहाँ से फिर बैंक चले गए, डायरेक्ट लेट हो गया। हाँ, भर भर के जमा कर दिए, अब कल चालू होगा। भाई मम्मी से कह देंगे, ब्लॉग में देख लेंगी, ठीक है? स्वेटर पहन के, स्वेटर पहन के, स्वेटर पहन के, कान ऐसे ऐड देंगे, मेरी बुआ ऐसे कान ऐड दी, कान खटाई कर दी। पेंसिल क्यों खा रहे जैसे बब्बी कह रही थी ना, जैसे बताओ क्यों नहीं किया काम? शायद कुछ भी किया, हम तो नहीं बताओ काम क्यों नहीं हुआ भाई? बताओ क्या गाइस, घास खा लोगे सारा तुम लोग? सब बंदर जुटे पड़े हैं पीछे, माने अंदर जाओ। डराओ नहीं मुझे, देखो गाइस सब बंदर खा रहे हैं मिलके फूड। मम्मी की कैमरे में आवाज कितनी वो हो गई, क्या हो गई, धीमी हो गई। तुम ए तुम जग गए? ए को टोपी लगा, टोपी लगा, लगाओ टोपी, लगाओ भैया के, भैया के टोपी लगाओ। क्या हो गया मान्या? देखे चम्मच में क्यों रखी है उसको? अब चम्मच से मत खाना कुछ, रात में तुम्हारे कीड़ा भी लगा हुआ था, ये देखो खून निकल रहा है। देखे देखे ये करो स्माइल। तुम तो मेरे वीडियो वाला बन गई। खून वो निकलने दो गाइस, मान्या का दांत टूट गया है, दूध का दांत, मान्या का दूध का दांत टूटा है, देखे मान्या, मान्या का दूध का दांत टूटा है, मान्या का दत्त, उसे क्या कहा जाता है, दत्त को, दत्त दत्त वो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप सो रही थी, हम क्या कर रहे हैं, अंदर आइए गाइस, आइए आइए बैठिए। हम आए तो आप सो रही थी, तो हम क्या डिस्टर्ब कर रहे फिर? पता चला आई थी तो हम नहीं गए। तो गाइस अभी हम जो है जा रहे हैं वापस अपने ससुराल, और मसौदा से हम निकल चुके हैं, और मुझे अभी कैमरे में चेक करना है, जो मॉर्निंग में मैंने देखा था मेरे गाड़ी के पीछे का वाइपर जो है मुड़ गया है पूरा, वो कैसे हुआ अभी मैं घर जा कर के देख लूँ गाइस, तो बताती हूँ फिर कि किसने तोड़ा है वाइपर। तो गाइज मैंने अभी जो है सिस्टम पे चेक किया कि मेरी गाड़ी का वो जो वाइपर है पीछे वाला वो किसने मोड़ा, तो मुझे पता चला कि बंदरों ने कूद कूद कर मेरी गाड़ी का तो छत भी पिचका दिया है,
और जो है पीछे का वाइपर भी मोड़ दिया है, तो अब उनको क्या ही कहा जा सकता है। वानर सिंह है भाई, वो तो करेंगे, हम खुद ही सीधा करा लेंगे, और क्या उनको क्या कह सकते हैं। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइज, और कमेंट कर दें और मुझे बताएं अगर आपका कोई सजेशन हो तो मैं बिल्कुल उसको पूरा करूँगी, उसको अप्लाई करूँगी, उस पर कंसीडर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।